नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम रूस यूक्रेन विवाद के बारे में बात करेंगे, जो काफी चर्चा में है। तो आज हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, ताकि न्यूज़पेपर में जो भी घटनाक्रम आपके सामने आती जाती रहे, आप उसको ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐड करने से संबंधित टॉपिक है। मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि मैं जो भी ये बताऊं, इसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐड कर लें। रूस यूक्रेन विवाद की बात कर रहा हूं मैं। देखो, रूस और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में क्या विवाद है? हुआ क्या था, 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तब रशिया नहीं था, यूएसएसआर हुआ करता था, पूर्व सोवियत संघ। 1991 में उसका विघटन हुआ, जिससे कई देश बने, जैसे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, कई देश बने। ये कुल 15-16 के आसपास देश बने थे। इसमें अब हुआ क्या, ये जो यूक्रेन जो है, आप इसको मैप में देखना, जो रशिया है इसके बिल्कुल पश्चिम में है यूक्रेन, रशिया के पश्चिम में यूक्रेन है, और यूक्रेन के नीचे की तरफ एक क्रीमिया है, क्रीमिया। ये क्रीमिया जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो इसने अलग राष्ट्र की मांग की, रूस ने इसका समर्थन भी किया, और फिर ये मुद्दा चलता गया। उसके बाद 2014 में जनमत संग्रह कराया गया। जब जनमत संग्रह कराया गया, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि क्रीमिया ने यूक्रेन के साथ रहने से मना कर दिया। तो जनमत संग्रह का तो मत ये हुआ कि भाई क्रीमिया कहता है मैं यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन 2015 में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी किसी तरीके से रशिया ने क्रीमिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और उसका नाम तक बदल दिया, रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया नाम भी दे दिया, जिसका विरोध पूरे विश्व ने किया था, विश्व के अन्य देशों ने भी किया, यूक्रेन को तो करना ही करना था। तो अब हुआ क्या है, अभी 25 नवंबर 2018 को ही ये जो चर्चा में आया विवाद है, रूस ने क्या किया, यूक्रेन के तीन जहाज थे, उनको जब्त कर लिया, और इसके बदले में, इसके अगेंस्ट कह सकते हो, यूक्रेन ने रूस के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब ये मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि जो रूस और यूक्रेन की जो सीमा स्पर्श कर रही है, उसमें से 16 से लेकर 60 वर्ष के जो रशियंस हैं, वो यूक्रेन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अब ये विवाद है इनके बीच में। अब आगामी ये कौन सा रूप लेता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस क्रीमिया के कारण रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। क्रीमिया हालांकि खुद कहता है कि मुझे यूक्रेन के साथ नहीं रहना, लेकिन वो ये भी कह रहा है मुझे रशिया के साथ नहीं रहना। रशिया ने एक तरीके से इनडायरेक्टली उस पर कब्जा कर लिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या स्थिति पैदा होती है। फिलहाल इसको आप ज्योग्राफी से जोड़कर देखें। अब दूसरी जो न्यूज है, जो फैक्ट है, ये यूएई से संबंधित है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि कर रखी है। प्रत्यर्पण संधि का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी भारत का अपराधी है, वो यदि यूएई में जाएगा तो यूएई उसे सौंप देगा, और यदि यूएई का कोई अपराधी भारत में आएगा, क्योंकि वीजा के तहत आ जाते हैं, नागरिकता मिल जाती है इनको, तो भारत उसे सौंप देगा। ये प्रत्यर्पण संधि होती है। अब जो करंट में मुद्दा चल रहा है, वो ये चल रहा है कि एक क्रिश्चियन मिसेल को यूएई ने इस संधि के तहत भारत को सौंपा है। अब ये क्रिश्चियन मिसेल है, ये कौन है और क्यों इसको भारत को सौंपा है, क्या समस्या है, ये ध्यान से सुनिए। मिसेल जो है ब्रिटेन से संबंधित है, पहली बात। तो दूसरा,
ये इसलिए भारत को सौंपा है कि भारत ने इटली में एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर बनाती है, इटली में रोम इटली उसका मुख्यालय, ये ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है ये, रोम इटली उसका मुख्यालय है, अगस्ता वेस्टलैंड ये हेलीकॉप्टर बनाती है, और कई प्रकार के हेलीकॉप्टर बनाती है जिसमें वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, नाम से ही देख लीजिए वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए हेलीकॉप्टर बनाती है, इसमें सुरक्षा से संबंधित इंतजाम होते हैं। वो हेलीकॉप्टर लगभग भारत ने 12 हेलीकॉप्टर खरीदे थे, तो जांच में ये सामने आया कि ये जो मिसेल है इसने बीच में दलाली की थी, दलाली की थी, तो ये विवाद पैदा हो गया, विवाद पैदा हो गया तो भारत ने इस पर मुकदमा चलाने की सोची, मुकदमा चलाने की सोची तो ये यूएई में जाकर बैठ गया, तो यूएई के साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि कर रखी थी जिसके तहत इसे भारत को सौंपना पड़ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। आप फिलहाल इसमें ये ध्यान रखें कि मिसेल का संबंध ब्रिटेन से है, अगस्ता वेस्टलैंड जो वीआईवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में इसको गिरफ्तार किया गया है, और थोड़ा ये ध्यान रखें जो यूएई है संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं इसको, और इसकी राजधानी अबू धाबी है, और इसकी मुद्रा जो है डिरहम है, DIRHAM। तो दोस्तों इस सीरीज में आज हम इतने ही बात करेंगे, नमस्कार।